हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है बाढ़ तबाही से जुड़ी बड़ी खबर के लिए हमारे चैनल HGK न्यूज नॉलेज में। उत्तर प्रदेश में बाढ़ की तबाही अभी जारी है, बाढ़ की विभीषिका कम नहीं हुई है। अभी 1000 से ज्यादा गांव पानी में डूबे हुए हैं, 5 लाख से ज्यादा की आबादी सड़कों पर आ गई है। हालांकि कई जिलों में अब नदियों का जलस्तर कम नहीं हुआ है, लेकिन अभी राहत नहीं मिल रही है। जिन गाँव में पानी उतर गया है वहाँ दलदल और कीचड़ ने जीना मुहाल किया हुआ है। सड़क और ऊंचे स्थानों पर लोग पन्नी का टेंट लगाकर जीवन जीने के मजबूर हैं। राहत आयुक्त कार्यालय के मुताबिक यूपी के 24 जिलों के 1171 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं, जिनमें मिर्जापुर, प्रयागराज, जालौन, हमीरपुर, बलिया, वाराणसी, इटावा, कानपुर, आगरा, चंदौली, गाजीपुर, औरैया, गोरखपुर, चित्रकूट, अयोध्या आदि 24 जिलों में बाढ़ की तबाही मची हुई है। इटावा की 2 तहसील चकरनगर और बड़पुरा ब्लॉक में 60 से ज्यादा परिवार पलायन कर ऊंचे स्थानों पर पहुंच गए हैं। कुछ परिवार राहत शिविरों में है तो कई पन्नियों में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। चंबल नदी का जलस्तर कम हो रहा है, लेकिन अभी ग्रामीण जनजीवन सामान्य नहीं हो पाया है। फिलहाल चंबल नदी अब अपने सामान्य बहाव में आना शुरू हो गई है। इस समय इसका जलस्तर 118 सेंटीमीटर के करीब है। खतरे का निशान 121.92 सेंटीमीटर है। गंगा का पानी कम हो रहा है, लेकिन गांव वालों की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। अभी भी भूख और कर की चिंता उन्हें खाई जा रही है। बहरहाल सीएम योगी के दौरे को देखते हुए अधिकारी यहाँ बाढ़ग्रस्त गाँवों का दौरा कर रहे हैं। वहीं मिर्जापुर में गंगा का पानी घटने लगा है। यहाँ शुक्रवार को 77.81 मीटर जलस्तर था, जबकि शनिवार सुबह 77.15 मीटर पर है। इटावा के चकरनगर तहसील में डिम्बोली गांव में ज्ञान सिंह का परिवार शमशान घाट में रहने को मजबूर है। चंदौली 18 गांव में बाढ़ का पानी पहुंच गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के कई गांव में अपनी चपेट में ले लिया है। यह गांव गंगा के तटवर्ती इलाके में है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर तहसील के बरामपुर गांव में गंगा का पानी प्रवेश कर गया है। गांव में नावें चलने लगी हैं। बलिया में गंगा उफान पर है। बाढ़ में फंसे 68 गांव बाढ़ से जूझ रहे हैं। 16 गांव ऐसे हैं जहां बाढ़ से आबादी और फसल दोनों को नुकसान हुआ है। लगभग 1.5 लाख से आबादी यहां बाढ़ से प्रभावित है। गंगा यहां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। शुक्रवार को गंगा का जलस्तर 60.190 मीटर रिकॉर्ड किया गया था। कौशाम्बी में यमुना बाढ़ से 54 गांव प्रभावित है। 1.5 लाख से आबादी सड़कों पर आ गई है। यमुना नदी खतरे के निशान से 40 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। यमुना की बाढ़ ने सैकड़ों गाँव को टापू बना दिया है। खाने पीने और बुनियादी जरूरतों के सामान भी दूसरों गाँव से नाव के जरिए लाए जा रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों की रिपोर्ट के लिए हमारे चैनल HGK न्यूज नॉलेज को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।